नमस्कार प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में और प्यारे बच्चों मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बीएससी फर्स्ट ईयर की हमने एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई है शाम को और जिस बच्चे को लाइव लेनी है वो बच्चा लाइव कनेक्ट हो जाएगा तो लाइव क्लास ले सकता है दिगम्बर कह रहे हैं कि राम राम सर भाई राम 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 सभी को और देखो एक बात थे मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लगी है और बात ये है कि अब जब क्लास आपकी बिल्कुल नहीं लग रही थी तब तो आप सभी बार बार मेरे कॉल कर रहे थे लगातार कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही है ऐसा है वैसा है ऐसा है और अब मैं लाइव में देख रहा हूँ दो तीन बच्चों के अलावा कोई भी लाइव क्लास अटेंड भी नहीं कर रहा भाई मैं तो यही समझूँ कि इतनी दिन गैप होने के बाद सारी जब पिछली पूरी क्लासेज हैं कंप्लीट आपने ले रखी होंगी मैं तो यही सोचूं लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं लाइव क्लास नहीं लेते इससे सीधा सा मतलब ये निकलता है कि केवल बच्चों का फोकस यहाँ पे है कि कोर्स होगा या नहीं होगा अरे जब कोर्स होगा कर नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ता है आप पढ़ ही नहीं रहे हो फिर क्या क्या मतलब है कोर्स से मैं देख रहा हूँ दो तीन बच्चों के अलावा कोई लाइव नहीं आता एप्लीकेशन के अंदर की क्लास कोर्स लेते हैं तब पूछते हैं कि सर लाइव क्लास होती है कि नहीं होती है और फिर सो एक्सक्यूज और देंगे और वो सर वो आप लाइव क्लास शाम को साढ़े सात बजे लेते हो हम उस टाइम फ्री नहीं है अरे अगर पढ़ना होगा ना फ्री होंगे आप टाइम निकालना पड़ता है क्या करते हो आप, आप स्टूडेंट हो ना क्या बनाते हो कपड़े धोते हो सब काम हम करते हैं ये तो पढ़ा रहे हैं ना अरे हम भी तो पढ़ा रहे हैं बस वो एक्सक्यूज है बस जो मतलब आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं तो बाकी मैं अपना काम करता हूँ बाकी अब आपको क्लास लाइव लेनी है तो लाइव चल रही है बाकी रिकॉर्डेड आपके पास में आ ही जाएगी ठीक है प्यारे बच्चों अब आज की जो क्लास है इस क्लास में एक सवाल आपको मैं ऐसा करवाने वाला हूँ शायद इस क्लास में केवल वो एक ही सवाल हो लेकिन वो सवाल ऐसा सवाल है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पहुंचा गया ठीक है और इतना इम्पोर्टेंट सवाल है मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है और कल मैंने होमवर्क के लिए दिया था यानी कि मॉर्निंग में जो क्लास थी वो ज़रूर करना भैया ठीक है थीके? एक क्वेश्चन है भैया और आप लिख लो उसके ऊपर वेरी 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 मोस्ट है वो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसको सही कर देते हैं फोकस सेट नहीं मेरे हिसाब से एक मिनट रुको हाँ अब बिल्कुल क्लियर है चलो तो प्यारे बच्चों क्या है वो सवाल सवाल लिख देता हूं मैं पहले वाई कोस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू ए माइनस का ए साइन थीटा लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस का पाई बाई ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है बहुत ही आराम से करेंगे और मैंने पहले बोल दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चार नंबर में ये सवाल आता है मतलब सोचो कि पूरी यूनिट की जो मेहनत है वो अकेला आपका चार नंबर का सवाल ये है दिला सकता है लेकिन उसी बच्चे को दिलाएगा जो बच्चा शानदार तरीके से मेहनत करेगा ठीक है चलो भाई, अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मज़ा भी आएगा और पढ़ने में आनंद भी आएगा दोनों तो हालांकि एक ही चीज़ अब सुनो भैया आओ फोकस करते हैं आंसर करते हैं इसको अब एक चीज और लिखना भूल गए अपन यहाँ पे, आपको बताना भूल गए कि यहाँ पे जो प्राचल है वो क्या है आपका ठीटा आपका जो प्राचल है वो आपका थीटा है अब मुझे एक बात बताओ सवाल का आंसर तो अपन कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो याद है आंसर मुझे तो पता है कैसे करना है इसको तो मैं तो कर दूंगा लेकिन सपोज करो आप भी एक स्टूडेंट हो तो एज ए स्टूडेंट इस सवाल को कैसे ट्रीट किया जाए इस सवाल को देखा मैंने वाई कोस थीटा माइनस का एक्स एन थीटा बराबर ए माइनस का ए सैन थीटा लोग टेन थीटा इस प्रकार है तो एज ए स्टूडेंट मेरे मन में भी एक बात आई कि यार चलो सवाल तो ठीक ठाक है लेकिन इसमें क्या है कि ये आ, साइन या पेट लोग टेन देखो कितने सारे फंक्शन एक साथ आ रहे हैं ये कुछ मेरे को थोड़ा दिक्कत करने वाला लग रहा है तो चलो ठीक है एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया ये जो आपका गिवन इक्वेशन है इसको लिख लो आप गिवन इक्वेशन इसको लिखो क्या है हमारे पास वाई कोस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू ए माइनस का ए साइन लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई मैंने क्या किया इस समीकरण एक में भाग लगा दिया क्या कर दिया भैया इस समीकरण एक में भाग लगा दिया अब इस समीकरण एक में जो भाग लगाएंगे वो किसका लगाएंगे भाई मैं तो आज स्टूडेंट आपसे पूछता हूँ कि हम भाग किसका लगाएंगे तो बच्चे कहेंगे सर सिंपल सी बात है आप एक काम करो साइन थीटा का भाग लगा दो तो इधर से क्या ये लो साइन लो टेन तीन आ रहे हैं एक साथ तो यहां से क्या ये साइन हट जाएगा मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है चलो कर लेते हैं एक बार तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन का भाग लगाने पर भाग लगाने पर मैंने साइन थीटा का भाग लगा दिया जैसे ही मैंने भाग लगाया तो देखो यहाँ पे क्या बना वाई मेरे पास कोस थीटा और अपोन में क्या बन जाएगा साइन थीटा अब सबको पता है कि यार कोस अपोन में साइन क्या होता है कोट थीटा और ये भी नहीं पता तो फिर आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए उसके बाद में यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा माइनस का एक्स बच जाएगा इज इक्वल टू ठीक है यहाँ पर क्या है हमारे पास में ए अब आपको पता है ए के भाग में जाएगा साइन थीटा तो वन अपॉन में साइन क्या होता है कोसेक थीटा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे थीटा ठीक है और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा ए लोग टेन थीटा बाई टू प्लस में बाई बाई बताओ भाई, भाई। यहाँ तक किसी कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है और भी कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यहाँ पे मोनिका प्रजापति कह रही है कि सर एग्जाम्पल फाइव सिक्स एंड नाइन एक बार समझा देना ओके मोनिका अब ये अपन सवाल कर लेते हैं ये वाला फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उन फिर उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल नाइन जो है जैसे कि मैं चेक प, चेक कर पा रहा हूँ एग्जाम्पल नाइन आपका है ये कार्डियोड वाला ये मैंने आपको करवाया ही नहीं अभी तक अरे एक बार एक्सरसाइज पूरी तो होने दो एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगा आपका ठीक है अभी उसकी बारी आने दो उसकी एग्जाम्पल की जो कैटेगरी है वो थोड़ी अलग है एक तो एग्जाम्पल आपका हो गया और भी बिल्कुल मैंने नहीं करवाया है है आपको ठीक और एग्जाम्पल नंबर फाइव एग्जाम्पल नंबर फाइव भी मैंने आपको नहीं करवाया अरे तो वेट तो करो ये तो मैं करवाऊंगा आपको अभी ठीक है क्योंकि आप जब भी मेरी एक्सरसाइज पूरी हो जाए ना उसके बाद देख लेना कि मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं नहीं छोड़े हैं सो में से 99% नाइन परसेंट में ना तो एग्जाम्पल छोड़ूंगा और ना ही क्वेश्चन छोड़ूंगा ठीक है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं चाहे एक बार भी एग्जाम में आए मैं उस सवाल को नहीं छोड़ूंगा ठीक है चलो तो मुझे बताओ यहाँ तक इसमें तो कोई समस्या है नहीं मैंने केवल साइंस डेटा का भाग लगा दिया है चलो अब आपके दिमाग में एज ए स्टूडेंट अब क्या दिमाग में आता है कि आपके सामने मान लो कि इक्वेशन दे रखी हो और इस इक्वेशन का क्या करोगे आप मैंने कहा यार इस इक्वेशन का तो क्या कर सकता हूं मैं अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते इसका अब इसका एकमात्र इलाज यही है कि ठीटा प्राचल आपको दे रखा है आप एक काम करो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ठीटा कर दो आंख बंद करके अपन को ये काम करना पड़ेगा आंख बंद करके कर दो भैया यार अब क्या कर सकते हैं मैं तो मजबूर है हम तो अब हमने क्या करा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दिया चलो अब मुझे बात बताओ y को थीटा तो मुझे पता है y तो रहेगा कांस्टेंट तो y से तो कोई छेड़खानी करेंगे नहीं अपन लेकिन अब मुझे एक बात बताओ यहां पर कोट थीटा का ये अभी भी पता है 100 में से लगभग 80% बच्चों को पता नहीं है कि कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है अब बताओ क्या पढ़ेंगे बच्चे यार आपने 12th क्लास पास करिए ना कर ली कोरोना में हो गई होगी लेकिन अब बच्चों को ये नहीं पता कि कोट थीटा का समाकलन ने अवकलन क्या होता है क्योंकि समाकलन से कोई काम ही नहीं है तो यहाँ पे देखो कोट थीटा का जो होगा ना वो होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा अरे जिस गूगल पे आप दिन रात लगे रहते हो ना उस गूगल पर जब आप सर्च करोगे कि कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको बता देगा बात क्लियर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का ये हो गया आपका कोशेक स्क्वायर थीटा वाई मल्टीप्लाई माइनस का कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स का करोगे तो जीरो ही आएगा क्योंकि मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ अब यहाँ पे क्या है ए डॉट में थीटा तो देखो ध्यान से सुनना आप यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा ए तो कॉन्स्टेंट हो गया cosec का जो डेरिवेटिव होता है होता है वो होता है थीटा, में थीटा लेकिन माइनस लगाना मत बोलना ये आ गया अपने पास में cosec थीटा और हमारे पास में क्या आएगा एक डोट इसको करते हैं लेटर। I call you back. हाँ भाई तो यहाँ पे क्या था ए और हमारे पास माइनस का कोसेक थीटा और यहाँ पे कोट थीटा। ये देखो क्लियर ब्रैकेट को बंद कर देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे देखो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा देखो ध्यान से देखे ना बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से ए तो कॉन्स्टेंट है देखो माइनस पहले से लगा हुआ है ना बाहर ए तो कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है अब लोग का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे कहेंगे सर लोग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में तो यहाँ पे देखो वन अपॉन में ये आपका डेरिवेटिव हो गया थीटा और प्लस में फाइव बाई फोर हो गया ना लोग का डेरिवेटिव अब लोग का तो हो गया लेकिन लोग के बाद टेन का डेरिवेटिव कौन करेगा क्योंकि टेन के अंदर भी थीटा का डेरिवेटिव प्रेजेंट है अब मेरी बात कान खोल कर सुनना भैया मेरी बात है कान खोल कर सुनना जो बच्चे डायरेक्ट यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं अब उनको ये डेरिवेटिव करना बहुत ही हार्ड लग रहा होगा वो सोच रहे होंगे कि सर ये डेरिवेटिव आप कैसे कर रहे हो भैया तो यूनिट नंबर सेकंड जो मैंने पढ़ाई है ना पूरे तीस लेक्चर हैं कंप्लीट उसके अंदर आपको अवकलन करना ही सिखाया है और वो भी कौन सा पार्शियल डेरिवेटिव करना ही मैंने सिखाया है अब आपने वो मिस कर दिया तो समझ लो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि कोर्स तो गुरुजी हमने अभी लिया है अभी जो आप पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं फिर बाद में उसको पढ़ लेंगे मैं क्या कह रहा हूँ जितना टाइम वेस्ट करोगे ना उतना आपके लिए खराब रहेगा अरे यार पूरा चौबीस घंटे का दिन निकाल दिन और रात है इसमें से बारह घंटे आप स्टडी के लिए निकाल सकते हो बारह घंटे में से आप तीन घंटे भी बी एस दे दोगे ना सब कुछ कर सकते हो लेकिन दे ही नहीं रहे आप तीन घंटे भी आपसे नहीं निकल रहे यार मोबाइल फोन है ना पास में वही तो दिक्कत आ गई ठीक है तो प्यारे बच्चों में क्या कह रहा हूं आपसे कि यहां पर आप देखो ये आपने लो का करा लो का हो गया वन अपॉन में एक्स तो वन अपॉन में टेन थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई फोर फिर मैं करूंगा टेन का टेन क्या हो जाएगा टेन का हो जाएगा सेक अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और ये कब होंगी जब आप यूनिट नंबर सेकेंड को पढ़ोगे सेक स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई फोर हालांकि ये सारी अरे एक बात बताओ आपका प्राचल कौन है आपने कहा कि सर थीटा तो मुझे थीटा को ही तो रिमूव करना है मुझे थीटा को रिमूव करना है और थीटा को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा आंशिक अवकलन करना पड़ेगा मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में अब ये बात आपको समझ में नहीं आई क्या इतने सारे सवाल मैंने करवा दिया आपको आपको बात समझ में नहीं आई ये वाली आनी चाहिए देखो यार ये गलत बात है आनी चाहिए बात समझ में ठीक है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्लियर है तो आप सभी कमेंट कर सकते हो कि ये वाली जो लाइन है आपके समझ में बैठी या नहीं बैठी कंप्लीट तरीके से बताओ आगे समझ में क्या करा मैंने केवल पार्शियल डेरिवेटिव करा कोट का एक्स का जीरो कोसेक का माइनस का कोसैक थीटा डॉट कोट थीटा लो का किया वन अपॉन में टेन ठीक है और फिर उसके बाद में आपने करा टेन का सेक स्क्वायर और फिर आपने किया थीटा का तो यहाँ पे टू भी आया है मतलब तीन डेरिवेटिव इसके अंदर छुपे हुए हैं अरे बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना जहाँ पर थीटा दिखेगा ना थीटा उसका डेरिवेटिव होगा उसके अलावा ना तो एक्स का होगा ना ही वाई का होगा सब कॉन्स्टेंट है देख लो आप हाँ भाई मोनिका समझ में आ गया आपको मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको होती धीरे धीरे ठीक मुझे पता है सवाल में दम है और बच्चों से गलती होती है सवाल के अंदर क्योंकि चार नंबर अगर पक्के सवाल से हो सकते हैं तो क्यों नहीं किया जाए बताओ क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ अब मैं क्या करता हूं सुनो थोड़ा इसको ऊपर कर दू मैं सवाल आपने उतार लिया होगा हाँ भाई थोड़ा सा मैंने ऊपर ठीक है अब सुनो अब अगला स्टेप बिल्कुल केयरफुली देखेंगे आराम से आप देखो ध्यान से ये माइनस आगे ले लो तो माइनस हमारे पास में वाई और कोसेक स्क्वायर थीटा जीरो आपका ऐसे कैसे और ये हो गया माइनस का ए कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में थीटा माइनस का आपका है ए बाई टू ये तो आप ऐसे कैसे रहने दो लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान सुनना देखो आपका सैक स्क्वायर ठीठा बाई टू है आपको पता है और सभी को याद है कि भैया वन अपॉन में कोस क्या होता है सेक होता है तो आपको पता है वन अपॉन में कोस होता है क्या होता है सेक होता है ठीक है ना और टेन का पता ही है कि साइन अपॉन में कोस होता है मैंने इस शेक स्क्वायर को नीचे उतार लिया मैंने कहा भैया तू छत पे क्या कर रहा है तू नीचे आ जा इसने कहा ठीक है आ जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई मल्टीप्लाई में ये जो आपका टेन था तो टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई फोर अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कोस थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई समझते किसी को अब मैं क्या करता हूँ यार मैं तो मजबूर आदमी हूँ मैंने इस कोर्स से इस एक कोर्स को कैंसिल कर दिया मेरे पास में क्या बच गया यहाँ पे मेरे पास बच गया टू cos थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा और ये फॉर्मूला बन गया साइन टू ए का अगर किसी को याद है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थे किसी को याद है तो ठीक तो अब यहां पे क्या करता हूं भैया अब यहां पे सिंपल सी बात है देखो ध्यान से थोड़ा सा ये हमारे पास में माइनस का वाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस का ए कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में थीटा कोई दिक्कत माइनस हमारे पास में है अब ध्यान से देख लो भैया ये हमारे पास में टू इसका है ठीक है और यहाँ पे अब देखो टू तो खैर इसके अंदर ही अपन ने इंक्लूड कर लिया ना देखो कहाँ चला गया ये चला गया कोस और ये साइन थीटा, हमने इन इन तीनों को मिला लिया थीटा, साइन थीटा, फोरला क्या बन गया साइन टू क्लियर है तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पर ए तो ऐसे कैसे बचेगा और 1 अपोन में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में साइन और यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा है अब इस कहानी को थोड़ा ध्यान समझोगे आप तो समझ में आपको आ जाएगी देखो भाई तो एक बात बताओ बाहर है और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी थीटा की वैल्यू है थीटा बाई में टू प्लस में पाई बाई अब आप कह रहे हो कि सर ये टू कहाँ से आ गया अरे भैया साइन टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर और टू कहाँ से आ गया टू फॉर्मूले के अंदर से आ गया अब टू को आप भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे पाई बाय टू प्लस में थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया डायरेक्ट साइन लिख दिया और पाए बाय टू प्लस में, में थीटा समस्या अरे भाई ये कैसे लिख दिया आपको पता चल गया ना ठीक है अब उसके बाद में मैंने एक और स्टेप करा यहाँ पे माइनस का वाई ओसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा माइनस का ए हमारे पास और साइन पाई बाई टू प्लस में थीटा आपने अगर रामायण पढ़ी हो थोड़ी बहुत याद करो ये मेरे पास में कोई वैल्यू है और ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड थर्ड और ये आपका फोर्थ सपोज करिए हमारे पास साइन 90 है और साइन 90 में कुछ ऐड कर देते हैं जैसे आपका साइन पाई बाई टू प्लस में थीटा है तो भैया साइन पाई बाई टू प्लस थीटा होगा तो ये किस में चेंज हो जाता है एक फॉर्मूला होता है साइन पाए बाई टू प्लस थीटा का ये साइन पाई बाई टू प्लस थीटा अगर पाई बाय टू में कुछ ऐड है तो ये आपका साइन जो है ये हो जाता है कोस थीटा के अंदर चेंज तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बताओ यहाँ तक किसी को समस्या है क्या ये यहाँ तक फटाफट बताओ कंप्लीट तरीके से हाँ भाई मोनिका दिगंबर और जितने बच्चे हैं सारे बच्चे कमेंट करेंगे और मुझे बताओ फटाफट फड़ से कि यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्योंकि ये एक दो तीन जो मैंने पे स्टेप करी हैं उनमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है बाकी मैंने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी अगर आपकी स्पीड कम है रिकॉर्डेड जब आप लेक्चर देखोगे अगर आपकी स्पीड कम है तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत होगी बिल्कुल भी नहीं हो सकती बट वही है कि स्पीड में देखोगे तो फिर कोई ना कोई चीज़ अगर स्किप हो गई अब सोचोगे चीज कहाँ पे आई है तो कमेंट कर दो कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊँगा आपको समझ में आ गया आगे चलता हूँ यहाँ पे मोनिका प्रजापति कमेंट कर रही हैं कि सर पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्या तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है जब तो मैंने ये कह दिया आपसे कि मैं यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज करूँगा हिटा के रेस्पेक्ट में तो अब इसमें सोचने वाली बात कहाँ है आप तो वहीं पटके हुए हो अभी कि पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्या पार्शियल डेरिवेटिव होगा थीटा के रेक्सपेक्ट में और मैं ये आपको बता दूं कि इसमें जनरली जितने भी सवाल हैं उसमें अपन पार्शियल डेरिवेटिव ही करेंगे बात क्लियर है अरे क्लियर है कि नहीं है क्या है जब बोल दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव आप देख लो यार किसी का भी डेरीविटिव किया कि अपन ने एक्स का वाई का ए का किसी का नहीं कराना सब कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या होता है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ही कर रहे हैं अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं करते तो वाई का डी वाई अपन डी टीटा डी एक्स अपॉन डी ठीटा ये भी कर सकते थे अपन लेकिन अपन ने नहीं करा क्योंकि मैं पार्शियल कर रहा हूँ मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ यह तो आपको कन्फ्यूजन हो गया क्या पार्शियल और टोटल का जो डेफिनेशन है वही सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो का कह रही कि सर कंप्लीट डेरिवेटिव होगा तो आप एक काम करना देखो अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप कंप्लीट डेरिवेटिव से कर लेना ठीक okay? है मैं तो पार्शियल डेरिवेटिव से आपको करवाऊंगा ठीक है भैया चलो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया है अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ भैया सुनो ध्यान से पेज को चेंज करता हूं मैं मैंने उधर भेजा यहाँ पर क्या बनेगा देखो यहाँ पर बनेगा अपने पास ए हमारे पास ऐसे कैसे अब देखो थीटा आपका ऐसे कैसे बच जाएगा और अपॉन में हमारे पास में कोशेक थीटा बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था एक cosec यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक कर जाएगा प्लस हमारे पास ए अपॉन में cos थीटा और मल्टीप्लाई में आपका cosec स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे बात क्लियर है ना अब सुनना अब और क्या कर सकता हूं मैं इसके अलावा ध्यान से देखना Y is equal to A हमारे पास ठीक है मुझे एक बात बताओ कोट थीटा क्या होता है कोट आप कहोगे गुरुजी, जी कोस अपोन में साइन ठीक है और वन अपोन में कोस क्या वन अपॉन में कोसेक क्या होता है वन अपॉन में कोसेक होता है साइन थीटा देख लो आप यहाँ पे कोट की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पुट करोगे यहां पर आएगा थीटा दस में अब इधर देख लो ए अपॉन में कोस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा ऊपर जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ठीक है अब एक काम करें पर मान लो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं y इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया उस थीटा a बाहर कॉमन ले लो कोस स्क्वायर ठीठा प्लस में साइन स्क्वायर ठीठा ये क्या बन जाएगा हमारे पास में वन ए अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा कुल के बाद क्या हुई कि हमारे पास में y इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ए सेक थीटा आ गया है हमारे पास y इज इक्वल टू अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा a sec थीटा मेरे पास बात के लिए अब इस y की वैल्यू को मैं कहां पुट करूं इस y की वैल्यू को मैं कहां पुट करूं अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इक्वेशन सेकंड मैंने आपको लिखवाई थी और इक्वेशन सेकंड जो है ना उसके अंदर हम वाई की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन सेकेंड क्या थी देखो ध्यान दो ये हमारे पास थी वाई थीटा। अरे देख लो आप पीछे ठीक है आपको याद नहीं है ए कोसेक थीटा माइनस का है। और मेरे को भी याद नहीं है मैं भी देख के लिख रहा हूँ आप सोच रहे हो मेरे को याद है और इसको याद करके क्या करना है क्या काम आएगी वाई y को थीटा माइनस का x बराबर a कोसेक थीटा माइनस का a लोग tan थीटा 2 प्लस का π 4 ये पीछे लिखी हुई थी इक्वेशन सेकंड मैंने इसको लिख दिया मैंने क्या कहा कि हम इसके अंदर ये जो y की वैल्यू आई है ना इसको पुट करेंगे y की इस वैल्यू को यहाँ पर अपन पुट करेंगे ठीक है और पुट करने के बाद क्या आता है देखो भी ध्यान से अब देख लेते हैं फटाफट बड़ से करते हैं पुट देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए से एक ठीठा भी आप लिख सकते हो ठीक okay. है और y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो ठीक है okay. मैंने क्या करा यहाँ पे ध्यान देना मैंने लिखा y की जगह लिख दिया a अपॉन में मल्टीप्लाई में क्या है थीटा माइनस का एक्स इज इक्वल ए सेक थीटा माइनस का ए लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस में फाई बाई यहाँ तक आप पूरी कैलकुलेशन को उतारो फटाफट पड़ से और कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हो कहीं पर भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आपको दिख रही है तो आप तुरंत कमेंट करिए बाकी यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं ठीक है थीके? मैंने क्या करा केवल वाई की वैल्यू को पुट किया है प्यारे बच्चों आपका जो मकसद है आपका जो टारगेट है उसको मत बोलना अपना टारगेट था थीटा को हटाना एनवलोब क्या होता है कि जो प्राचल आपका होगा जो पैरामीटर आपका होगा उस पैरामीटर को इक्वेशन में से हटाना प्रॉपर एक एक मेथड से मैंने अभी तक आधा ही काम किया है अभी तो देखो पूरी इक्वेशन में आपको ठीठा दिख रहा है लेकिन अपन ठीठा को हटाएंगे से फटाफट पड़ यहाँ तक आप नोट डाउन करो फिर उसके बाद चलते हैं अपन आगे ठीक है देखो अब यहाँ पे मोनिका थोड़ी कम कन्फ्यूज हो रही है कि भैया कोई ऐसे कह रही है कि सर कंप्लीट डोमेन मतलब डेरिवेटिव होगा क्योंकि जो थीटा है वो एक पर ही तो डिपेंड कर रहा है देखो आपने डेफिनेशन को थोड़ा गलत ले लिया ठीक है क्योंकि अब यहां पे आप ध्यान दो थोड़ा सा जैसे वाई है थीटा है एक्स है अगर देखा जाए तो वाई भी एक वेरिएबल है एक्स भी एक वेरिएबल है थीटा भी एक वेरिएबल है ठीक है लेकिन आपको प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो थीटा है ना वो प्राचल है तो जब इतने सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हों तो वहां पर अपन टोटल डेरिवेटिव का यूज कैसे कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे ना वहां पे अपन को पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा आपने डेफिनेशन को शायद मेरे हिसाब से क्लियर तरीके से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है धीरे धीरे जब आप सवाल करोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाए ठीक है अब प्यारे बच्चों इसके बाद में थोड़ा बहुत और क्या काम कर सकते हैं अपन ध्यान सुनना देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं आपको लिख लिया होगा आपने ऐसी बात नहीं थोड़ा बहुत तो यहां तक लिख लिया होगा अब सुनो देखो कोर्ट का मतलब क्या होता है कोस अपॉन में साइन कोस से कोस कैंसिल वन अपॉन में साइन और वन अपॉन में साइन क्या होता है सेक ठीक दिमाग में कैलकुलेशन करना चालू कर दो भाई इज इक्वल टू भी हमारे पास में क्या है ए सेक थीटा माइनस का हमारे पास में ए टैन थीटा बाई टू प्लस में फाइव बाई अब मैंने क्या करा भैया एक कोसेक थीटा ए को थीटा भैया मेरे पास एक्स बराबर क्या बच गया एक्स बराबर आ गया अपने पास में एन थीटा बाई टू प्लस में फाइव बाई धीरे धीरे जो आपकी वैल्यू है वो सोलो होती जा रही है। इसको थोड़ा और सोलो करूं मैं तो ये ए को मैं नीचे ले आऊं तो x अपॉन में ए और log हमारे पास टेन बाई टू प्लस में फाइव बाई फोर ये हमने चला लेकिन आप देख पा रहे हो कि अभी भी हमारे पास में अपनी इक्वेशन के अंदर थीटा प्रजेंट अभी भी थीटा यहाँ से रिमूव भैया कैसे न कैसे करके हमें थीटा को रिमूव करना ही पड़ेगा वेट करो और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थीटा को जो है हम रिमूव करके रहे ठीक है आप एक काम करो फटाफट यहाँ तक उतार लो कि अपना पेज है भर चुका है अब अपना पेज भर चुका है इसको मैं चेंज करूँगा और फिर अपन आगे चले ठीक है मोनिका एक बार आप थोड़ा सा मतलब रिवीजन करना पीछे की तरफ और देखना कि भैया पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है बात क्लियर है और बाकी तो फटाफट लिख लो इसको यहाँ तक फिर उसके बाद मैं आगे चलूँ बाकी अगर लिख लिया है तो फिर मैं आगे चल लेता हूँ क्योंकि वे वै वैसे ही बहुत धीरे धीरे लिखा रहा हूँ और एकदम ईजी वे में आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और बारिश भी आने स्टार्ट बारिश का टाइम हो गया तो बारिश आ रही तेज से सभी ने यहाँ तक कोई दिक्कत है कैलकुलेशन के अंदर एक एक कैलकुलेशन को मैंने इजी पे में समझाया आपको कहाँ पे कैंसिल करना है कहाँ पे क्या करना है कहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक बच्चे का सवाल ये होता है बच्चा पूछता है मेरे से कि सर एक छोटी सी बात बताओ मतलब इस सवाल को हमें रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर जितने भी सारी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियर हैं मतलब हर एक स्टेप लगभग अगर देखा जाए तो आपको जनरली याद ही करनी पड़ रही है स्टेप है ना क्योंकि इसको ऐसे करना है कैंसिल करना है इसको नीचे लेके आना है देखो जनरली जो सवाल ज़्यादा लेंदी रहते हैं बड़े रहते हैं उसका सोल्यूशन आपको एक बार दो बार तीन बार चार बार तंग करेगा उसके बाद में वो सवाल आपको ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा और फिर आपको उस टाइम लगेगा कि अरे भाई यहाँ पे कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे तो इस लॉजिक से कर रहे हैं अपन सवाल लेकिन स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अपन सवाल को रट रहे हैं और सवाल को इस प्रकार कर रहे हैं नहीं तो आपको जब स्टार्टिंग में लगेगा ठीक है अब ए प्लस बी का होली स्क्वायर है आज आप ए प्लस बी के होली स्क्वायर को कई तरीकों से बना सकते हो लेकिन जब आपने सिक्स क्लास में फाइव क्लास में आपने इसको याद करा था उस टाइम पे क्या सोच रहे थे आप और कहा पता नहीं कैसा है इसको कैसे याद करेंगे क्या करेंगे और आज इस फॉर्मूले को आप चार तरीके से बना सकते हो बना सकते हो ना ठीक है तो वो मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड आपने कभी पढ़ा नहीं है सवाल तो आपके लिए हार्ड रहेगा ही रहेगा ठीक है? है चलो भैया तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं अब इसके कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें से थीटा को तो गायब करना ही पड़ेगा तो वो हमारी मजबूरी थीटा को तो गायब करना ही पड़ेगा चलो भैया आओ कर देते हैं देखो अब अपने पास में क्या इक्वेशन थी भाई अपने पास में क्या इक्वेशन निकल के आई थी देखो हमारे पास में था एक्स अपॉन में ए इज इक्वल टू लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस का पाई बाई ठीक है मैंने क्या करा लॉग को इधर ले आया की पावर में आ गया अपॉन में ए, टैन, टू, में थीटा एक हमने क्या करा ये इक्वेशन मान लो इस इक्वेशन को दो नाम दे दिया था अपन ने इसको तीन दे दो इसको चार दे दो हमने इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जोड़ दिया आपस में क्या होगा देखो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ नहीं नहीं थर्ड और फोर्थ को मत जोड़ो रुको एक मिनट एक काम और करो थर्ड तो ये हो गई फोर्थ ये हो गई एक इक्वेशन और बनाओ आप ये जो इक्वेशन फोर्थ है ना इस इक्वेशन फोर्थ में मैंने क्या करा देखो इकी पावर माइनस का एक्स अपॉन ए मतलब मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अब आपको पता है माइनस का मतलब क्या होता है माइनस लगाने से मतलब ये हुआ कि e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का मतलब ये है कि वन अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन ए ये तो मतलब हुआ इसका तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर को अगर मैं उल्टा करूंगा क्या बन जाएगा टेन का उल्टा क्या बन जाएगा कोट बन जाएगा तो कोट थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई ये इक्वेशन फाइव ले लो तो अब यहाँ पे इक्वेशन फोर और फाइव को ऐड करो ठीक है दोनों को ऐड कर दिया मैंने ये हमारे पास बन जाएगा e पावर एक्स अपॉन ए प्लस में ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू जो उधर वाली वैल्यू है वो तो हमारे पास में वही टेन थीटा बाई टू प्लस में फाइव बाई फोर प्लस हमारे पास में कोट थीटा बाई टू प्लस में फाइव बाई अब इसमें करना क्या है कुछ भी नहीं करना दोनों तरफ आप टू से मल्टीप्लाई कर दो टू से नहीं वन अपॉन टू से दोनों तरफ मैंने वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर दिया कर दिया भैया मल्टीप्लाई अब सुनो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अब ध्यान से देखना ये वैल्यू सेम इज रहेगी ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस में ई e की पावर माइनस का एक्स अपॉन ए और अपॉन में टू बराबर अब ध्यान देना ये जो वन अपॉइंट टू है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है वो तो दोनों तरफ ही होगा मल्टीप्लाई थोड़ी एक तरफ हो जाएगा मैंने वन अपन टू को बाहर कॉमन ले लिया और टेन को लिख दिया मैंने यहाँ पे साइन थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई फोर प्लस में यहाँ पे अब देखो अपॉन में क्या जाएगा टेन क्या जाएगा अपॉन में कोस और कोट क्या होता है कोस थीटा बाई टू प्लस में पाई बाई फोर अपवन में क्या जाएगा हमारे पास में साइन ठीक है अब एक बात बताओ यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं एक छोटा सा काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे एलिशियम ले सकते हैं अब एलिशियम ले लो अब कई बच्चे तो तप गए होंगे वो तो बोल रहे हैं कि सर इतना बड़ा सवाल भी कोई होता है क्या अरे भाई यह सवाल तो आपने देखे कहा है अभी सवाल आप देखोगे अभी तो आप एंटर करो बी के अंदर बीएससी में आपने भी एंट्री ली है ऐसे थोड़ी सुनाया आपने कि बीएससी में आधे ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं उसके पीछे कारण है फेल होने का ठीक है पहले बच्चों मैंने एलशियम ले लिया यहाँ पे कोस थीटा बाई टू प्लस मे पाई बाई फोर मल्टीप्लाई में साइन बाई टू प्लस मे पाई बाई ये मैंने एलसीएम ले लिया ठीक है और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ हमारे पास बन जाएगा देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ठीठा बाई टू प्लस में पाई बाई फोर प्लस में कोस स्क्वायर ठीठा बाई टू प्लस में पाई बाई देखो साइन स्क्वायर ठीठा प्लस में कोस स्क्वायर ठीठा ये क्या बन जाएगा आपका वन बन जाएगा ठीक है और नीचे भी अगर आप देखो तो इस टू को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ लगा दूँ बात तो बराबर ही है क्योंकि अपॉन में ही तो है वो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो टू थीटा, में थीटा। तो बन जाएगा आपके पास साइन टू थीटा क्या बन जाएगा टू थीटा। और यही फॉर्मूला आपका पहले बना था तो अब बस आप यहाँ पर वेट किसका कर रहे हो फटाफट यहाँ पे लिखो की पावर एक्स अपॉन ए प्लस की पावर माइनस का एक्स अपॉन में इज इक्वल टू यहाँ पर आप देखो ऊपर वैल्यू वन बन गई अपॉन में जो वैल्यू है वो क्या बन गई आपके पास में साइन वो हमारे पास में और वही आपका थीटा और प्लस में पाई वाई इसको आपने सिंप्लीफाई किया था आपको पता है क्या आया था वन अपॉन में उससे थीटा ठीक है और आप सभी को पता होगा लेकिन आप यहां तक उतार लो फिर अपन आगे चलते हैं तो मैंने यहाँ पर इसमें क्या भाई जो हमारे पास वैल्यू आई थी उस वैल्यू में से लोग को इधर भेज दिया ई की पावर में आ गया टेन बच गया फिर टेन का कोट कर दिया ये माइनस लगा दिया दोनों तो को आपस में जोड़ दिया जोड़ने के बाद में टेन को ये साइन कोस कोट को कोस साइन एल्शियम ले लिया और करा क्या है जो कि बच्चे करते हैं जनरली नॉर्मल तो सवाल को पूरा उतारो फटाफट से वैसे मैं बहुत दिख रहा हूँ वैसे भी आराम से उतार सकते हो मेरे साथ साथ भी

उतार लिए सभी ने अरे भैया उतार लिए सभी ने आगे चलूँ मैं तो भैया आगे चलते हैं बताब और सवाल का सॉल्यूशन वैसे हो चुका है अब लेकिन थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट और कर लो मेहनत का जो फल है इंतजार का फल ये फिर मेहनत का फल क्या होता है प्यारे बच्चों अभी हमारे पास में लास्ट इक्वेशन क्या आई थी की पावर एक्स अपॉन में ए प्लस में ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन में ए अपॉन में टू है इज इक्वल टू में क्या था वन अपॉन में थीटा ठीक है प्यारे बच्चों आपको पता है वाई की जो वैल्यू थी अपन ने वन अपॉन में कोस थीटा अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी याद करो अगर मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालू देखो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा बराबर ए अपॉन में ठीक है तो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू को रखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो की पावर एक्स अपॉन में ए प्लस की पावर माइनस का एक्स अपॉन ए अपॉन में इज इक्वल टू टैग वैल्यू क्या है हमारे पास ए अपॉन में वाई ये हो जाएगा वाई अपॉन में ए तो प्यारे बच्चों एटलीस्ट आपका जो आंसर है वो आपके सामने है ये आपका एनअलॉ क्योंकि आप देख सकते हो कि जो आपका थीटा प्राचल था थीटा प्राचल अब यहाँ से हो चुका है गायब अगर गायब हो चुका है इसका मतलब है कि वो आपका आंसर आ गया। देख कैलकुलेशन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से अगर आपने से, आराम आराम से आराम-आराम क्लास को देखा होगा तो लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सवाल अभी थोड़ा सा अधूरा है कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक साइन थीटा इज इक्वल टू E e ए की पावर थीटा माइनस का ए की पावर माइनस का थीटा आपने ट्वेल्थ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा और एक फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक कोस थीटा का क्या होता है ए की पावर थीटा प्लस ए e की पावर माइनस का थीटा अब अब यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आपका हाइपरबोलिक कोस थीटा का फॉर्मूला ठीक है मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूंगा हाइपरबोलिक कोस और एक्स अपॉन में ए बराबर आपका y अपॉन प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है अब ये आंसर मैंने क्यों लिखा है या फिर क्यों निकलवाया है क्योंकि एग्जाम में क्या पूछता है कि जो क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाया था वो क्वेश्चन लिख देगा और नीचे लिखेगा प्रूव दैट प्रूव करिए कि इसका जो एनवेलप है ये निकल के आता है इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है वेरी वेरी, वेरी। मैं कह रहा हूँ आपको मैंने सवाल नहीं करवाया चार नंबर पक्के करवाए हैं चार नंबर इसलिए कोई भी सवाल है उसको हल्के में मत लो और जो मैं कह रहा हूँ वैसा कर लो सिलेबस सिलेबस की टेंशन छोड़ो आप सिलेबस करवाना मेरा काम है ठीक है दोपहर तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही और अब मिलेंगे मॉर्निंग में और मॉर्निंग की जो क्लास होगी उसमें फिर जो है वो डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में आपकी क्लास है अठस से ठीक है तो मैंने कल भी बता दिया था आपको और आज भी ठीक है हाँ भाई उन्नी का प्रजापत समझ में आ गया आपको आप मुझे लग रहा थोड़ा नाराज हो आप ठीक है मस्त होगी पढ़ाई करो टेंशन नहीं अगर कोई टेंशन है आपके दिमाग में तो मुझसे कॉल करके और बात कर लो टेंशन हुकूमत पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी सारी टेंशन होती है उसके रिगार्डिंग भी आप बात कर सकते हो कि सर इसका सोल्यूशन क्या करें ये परेशानी है ठीक है तो मैं सबका सोल्यूशन बता दू उसकी टेंशन मत ठीक है तो पढ़ाई की सोल्यूशन जो है ना ये पढ़ाई का जो सोल्यूशन है किसी के पास नहीं आपके पास ही मिलेगा बात क्लियर है ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ क्लास में कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है मतलब अपना वाईफाई काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से ठीक है चलो भैया धन्यवाद बाय बाय टाटा ठीक है धन्यवाद